हेलो, कैसी हो? आपको जानबूझ के अजनबी बन रही हूँ या वाकई 15 दिनों में भुला दिया तुमने मुझे? दोनों बातें। क्या ये सब कुछ इतना आसान था मोना? अगर थोड़ी सी मुश्किल सह लेते तो शायद ये सब कुछ नामुमकिन होता मेरे लिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। मेरा कसूर क्या है मोना? वो सब कुछ मैंने नहीं कहा, अम्मी ने कहा है। तुम्हारा कसूर ये है कि जब वो मेरी माँ को बातें सुना रही थी तो तुमने एक बार भी उन्हें खामोश होने का नहीं कहा। तुम्हारा कसूर ये है कि मेरी माँ को अकेला देखकर उनकी तसल्ली में तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। वो जब रो के तुम्हारे घर से निकल रही थी तो तुम एक बार भी उनके पीछे नहीं आए। मैंने कई बार तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी माँ से कड़वी कड़वी बातें सुनी है। तुम उसके बदले में मेरी माँ की इज्जत तक नहीं करवा सके? हम लोग बुरे हैं ना? मेरी नानी, मेरी माँ, मेरी खाला ने दुख दिए ना तुम लोगों को, तो क्यों हमसे रिश्ता रखना चाहते हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मोना। I'm really sorry यार। मैं बिल्कुल खत्म हो गया तुम्हारे बगैर। I cannot function। मुझे सब कुछ बेकार लग रहा है, बेमकसद लग रहा है सब कुछ। सारा दिन दिलावजा ऑफिस में पड़ा रहता हूँ यार। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मिलके इस मसले का हल निकालना चाहता हूँ। मैं तुमसे, मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, अब दाऊद से कोई वास्ता नहीं रखना, किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखना, उसकी शक्ल भी मत देखना। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मोन, वो गॉड से है क्या? मर जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा यार मैं। हेलो, पहले से ही बहुत मजबूत है, किसी निकाह से भी ज्यादा। तुम शादी का मैं एक फोटोग्राफर अलग से अरेंज करूंगा जो सिर्फ तुम्हारी और मेरी तस्वीरें चाहिए। ओके, अपने हाथ से काटा है मोमना के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत अरसे के बाद कढ़ाई की है उन्होंने। वो कह रही थी पता नहीं दाऊद की शादी तक वो रहे ना रहे, तो उनकी कोई निशानी तो मोमना के पास होनी चाहिए ना। हे बेबी, तुम्हारे खानदान के बुजुर्ग सोने की बजाय कड़वी कमीज निशानी के तौर पर देते हैं। उनकी जो हालत है वो... अरे कोई हालत वालत नहीं है, और कौन सा उन्होंने अपने पल्ले से दी होगी, मेरे बेटे की कमाई के पैसे ही होंगे। नहीं अम्मा, कसम से मैं उन्हें कुछ नहीं देती, मेरे हाथ में पैसे होते ही नहीं। हाँ हाँ, हम तो बहुत जालिम है ना, तुम्हें पैसे पैसे के लिए तरसाया हुआ है हमने। कोई जरूरत नहीं बनाने की, पता नहीं क्या जादू टोने का चक्कर हो। अरे मैं काफी हूँ अपने बच्चों के अरमान पूरे करने के लिए। हाँ, दो टके की कमीज निशानी के तौर। Oh,
यही बोमना थी ना जो बचपन में मेरे गेतियारा से ऊंची आवाज में बात करने पर नाराज हो जाती थी, और अम्मा अगर गेतियारा को कभी डांट लेती थी तो कोनों खतरों में मुंह छुपा के रोती रहती थी। और इसी औरत ने आखिरकार डस लिया मुझे। नूर बानो, बुजुर्गों को होती है इंसान की पहचान। अम्मा जब तक जिंदा रही इसे दबा के रखा, नहीं दिखा सकी अपना असली रंग, और अब दिखा रही है ये अपना असली रंग। मेरी बेटी की तो सारी खुशियां उसने छीन ली है, बर्बाद कर दिया है हमें। तुम अपनी बेटी की मां बनकर सोच रही है, उसने अपनी बेटी की मां बनकर सोचा? भाई बात तो उसकी बेटी की भी खत्म हुई है, वो भी तो इन मसलों से गुजरी होगी। उसका क्या है, उसकी बेटी को अब्दुल्ला जमाने में साथ साथ लिए नहीं फिर आता। उनकी मंगनी से तो लगता था कि घर वालों का फैसला है, मगर ये तो दोनों लैला मजनू बने फिरते रहे सारे जमाने में। मैंने कहा मेरा क्या है, मैंने तो चलो गुजर ही जाना है। मेरी बेटी ने उसकी दुल्हन बन के उसी के घर में रहना इसलिए इजाजत दी, और उसने कौल और इकरार भी तो ऐसे किए थे ना। फुप्पो मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, मैं निभाना जानता हूं रिश्तों को, ये निभाया है उसने रिश्ता। सारे खानदान में अब मैं क्या मुंह लेके फिरूंगी, एक एक बंदा आके मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगी। छोड़ो रहने दो, तुम रिश्तेदारी की बात ना ही करो तो बेहतर है। सिया भाई भी तो हमारे रिश्तेदार थे, उठा के दे दी बेटी, परवाह की रिश्तेदारी की? अरे भाई दूर परे के से थे तो हमारे रिश्तेदार, गेतियारा के तो नहीं थे? बड़ी चालाक है वो, मुझे दिखाना चाहती है कि अपने बेटे के लिए वो इसी खानदान की लड़की ला सकती है, पर मेरी बेटी से तो अब इस खानदान का कोई लड़का शादी नहीं करेगा। कर दिया ना उसने बर्बाद हमें, अरे दिखा दिया ना उसने अपना असली रंग, डस लिया है हमारी खुशियों को, बर्बाद कर दिया है मेरी बच्ची का मुस्तकबिल। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हौसला करो शहरपानो, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। हाँ बोलो मोना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान भी हो सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? जब आज तुम्हारी मंगनी हो रही थी तो क्यों फोन किया मुझे मेरी अज़ियत और बढ़ाने के लिए? What? मंगनी? क्या कह रही हो तुम? कौन सी मंगनी? ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारी मंगनी की मिठाइयां तकसीम हो रही हो तुम्हें खबर तक नहीं? तुम जानते हो मेरी माँ का ब्लड प्रेशर आई है, फिर भी उनकी अज़ियत में इजाफा करने के लिए तुम लोगों ने मिठाई भिजवाई यहाँ पर। इतनी गिरी हुई हरकत भी तुम कर सकते हो, मैं नहीं जानती थी। कौन सी मिठाई यार, क्या बात कर रही हो तुम? ये सब क्या है? सर ये आपके ससुराल वाले बैठे। ससुराल? अम्मी कहाँ है? आपने मंगनी ही कर दी मेरी? और क्या, ये जया साहब की बेटी से। जया अंकल
मैं इस मंगनी से बिल्कुल राजी नहीं हूं। अम्मी ने मेरी मंगनी मोमना से तोड़वाई है और मैं मोमना से मोहब्बत करता हूं। अगर मैंने जिंदगी में कभी शादी की तो सिर्फ मोमना से करूंगा, वरना कभी नहीं करूंगा। आप प्लीज अपनी बेटी की जिंदगी मेरे साथ जोड़ के खराब मत कीजिए। आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। क्या कर रही हूँ? सब कुछ समेट कर वापस भेज रही है। सिर्फ सामान, यादों का क्या करोगे? उन्हें भी किसी डब्बे में डाल के बंद कर दूंगी। ऐसा कर पाओगे? क्यों नहीं, कैसे? जैसे दाऊद ने किया है। उसे तो दिलजोई करने वाली मिल गई। कोई बात नहीं खाला, मैं अपनी दिल जो खुद कर लूंगी। अगर तुम्हें कोई दिल जोई करने वाला मिल जाए तो इतना हौसला किसी मर्द में नहीं है खाला, किसी दूसरे मर्द के लगाए हुए सपनों पे मरहम रखे। मेरे बेटे में है, मैंने आज ही उससे बात की थी, उसे कोई एतराज नहीं। शहरबानों से मैंने इसलिए बात नहीं की कि पहले तुमसे करना चाहती थी, कहीं वो तुम पे कोई प्रेशर ना डाले। आप मुझ पे तरस खा रही हैं खाला। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बहन और भांजी के दुखों पर खामोश तमाशाई बनकर नहीं खड़ी होना चाहती। वहां दाऊद के घर में तो शादी के शादियाने बचे और मेरी बहन अपनी बेटी की खुशियों को तरस रही। नहीं, मैं तुम्हारी शादी कहीं अनजाने लोगों में भी नहीं होने देना चाहती। कहीं कोई तुमसे मंगनी टूटने का ना पूछे। ये भरोसा सिर्फ मुझ में है और मेरे बेटे में। दाऊद, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी, कहिए। कल जो तुमने मुझे जलील करवाया और अपनी बनी बनाई बात बिगाड़ दी, तुम क्या समझते हो कि डर के मारे मैं तुम्हारी शादी मोमना से करवा दूंगी? या इस खुशफहमी में हो कि बस सारी जिंदगी तुम्हारे लिए जोग लेकर बैठी रहेगी?
उसकी शादी कहीं नहीं होगी। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कब आई? मुझे तो 2 हफ्ते हो गए आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए मिलने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे ना, बैठे। आइए बैठो। किस चीज की मिठाई है ये? ये खुशी की मिठाई है, फहद की मंगनी कर दी है। मुबारक हो पप्पू। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कहाँ की उसकी मंगनी? मोमिना से। सोचा बहन की बेटी है, अम्मी को भी बहुत पसंद थी, कहा किसी गैर के घर में जाएगी। और फिर फहद भी खुशी खुशी राजी हो गया। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। ये सब चीजें उसके घर वालों ने वापस की। दाऊद, ये तुम्हारी अमानत है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जहां मिठाई मुझे खुद लेकर जाएंगे। उम्मीदें गुजरे वक्तों की कसर खत्म हो गई होगी। अब इन नए रिश्तों को नए रोह में बहने दो, पुरानी बातें भूल जाओ। मेरा अकलौता भाई था, उसके घर से ताल्लुक खत्म हो जाए ये अच्छा नहीं है। अल्लाह आपको आपके बच्चों की खुशियां देखनी नसीब फरमाए और शहरबानों के बच्चों के नसीब भी अच्छे करे। देखो ना गीतियारा, बहुत अच्छा लगेगा जब हम कौमी खुशी ईद बकरीद पे एक दूसरे की शक्ल देखें और खुश हो। उम्मीद है कि आना जाना खत्म नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा। पता दाऊ, क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे ही। तुम बोलो, क्या बोल रही थी? वो मैं ये कह रही थी कि खाला रुकने आई है ना हमारे यहाँ। अच्छा मुझे यूं देखना तो बंद करो दाऊ, मैं नर्वस हो रही हूँ। मैंने क्या किया यार, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। इतना मत देखो, मुझे अजीब सी शर्म आ रही है, घबराहट हो रही है मुझे। वो देखो वो सामने कितनी अच्छी लड़की बैठी है, उसको देखो। और जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट ना करूँ ना, उधर ही नजर रखना। अच्छा बात क्या है वो तो बताओ। भूल गई अब। बात कर लो। अरे क्या बात। हाँ याद आया, कह रही थी कि अगर तुम्हारी मंगनी दाऊद से ना हुई होती ना, तो तुम्हारी मंगनी मैं फहद से करा देती। क्या बकवास है यार, 10,000 लड़कियां पड़ी हुई हैं, उन्हें क्या दूसरे की मंगेतर नजर आ रही है? ओहो, पोजेसिव। हाँ, वो पोजेसिव तुम्हारे भी है। शुक्र है, इस बहाने तुमने मुझे देखना तो बंद किया।
वैसे कमाल हो यार, आई स्वेयर जब मेरा रोमांस पीक पे पहुंचता है ना तो उसको खाक में मिला देती है तुम। जाहिर है उसकी ताप बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। और तेज है यार। तुम अलमारी क्यों खाली कर रही हो बेटा? दोबारा से सेट कर रही हूँ। हाँ, अल्लाह ताला भी अपने बंदों का कैसे कैसे भरम रखता है। बंदा लाख चाहे अपने हाथ खाली रखना, लेकिन अगर वो चाहे कहाँ कहाँ से झोली भर भर के दे देता है। अम्मी वैसे अलमारी पुरानी हो गई है, हम नहीं बनवा लेंगे, ठीक है ना? कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम अपनी नई ज़िंदगी नई चीज़ों के साथ नए घर में शुरू करना। पता है फहद पाकिस्तान आ रहा है। और बेटा तुम अपनी खाला का सारी ज़िंदगी बहुत ख्याल रखना। पता है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो रिश्तों का भरम रखना जानते हों, जो अपने अजीज रिश्तेदारों को तकलीफ़ों से बचाना चाहते हों। और ऐसे लोग बहुत हसास भी होते हैं, ज़रा सी बेरुखी उनका दिल तोड़ देती है। फहद बहुत अच्छा लड़का है, कुछ तुम एडजस्ट करना, थोड़ा बहुत वो एडजस्ट करेगा और देखना इंशाअल्लाह ताला तुम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। तुम सुन भी रही हो मेरी बात कि नहीं? सुन रही हूँ। आपको कोई शिकायत नहीं होगी? और तुम्हें? मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। मोमना, अगर मैं तुम्हें दाऊद से रिश्ता तोड़ने की कसम ना भी देती तो भी वो तुमसे शादी नहीं करता। हमें प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें, प्लीज। अजीब सा दुख होता है मुझे। मैं सारा सारा दिन अपने आप को मसरूफ रखती हूँ ताकि मैं पुरानी बातें भुला सकूं, और आप एक मिनट में मुझे उसका नाम लेके सब कुछ याद दिला देती हैं। और दाऊद से मेरी शादी आपकी वजह से नहीं, उसकी अपनी माँ की वजह से टूटी है। आप प्लीज मुझे हर वक्त सफाई मत पेश किया करें। सही समझना, इधर देखो नीति। दाऊद कहाँ थे तुम?
पागल हो गई हूँ तुम्हें कॉल कर करके। तुम्हारा सेल ऑफ था, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। परेशान? और आप मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। हैरत की बात है दाऊद, माँ की इज्जत रखने के लिए अगर एक कदम उठा ही लिया है तो फिर इसकी इतनी बड़ी सजा तो ना दो। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि तुम हमें चूज करो, कर लेते ना मोमना से शादी, हम चुपचाप कहीं चले जाते। अब इस तरह मुझे टफ टाइम देकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? टफ टाइम? मैं आपको टफ टाइम दे रहा हूं? कितनी आसानी से आपने ये बात कर दी। सिचुएशन ऐसी कर दी थी कि मेरी मोहब्बत को खाक में मिला दिया आपने। कैसी मोहब्बत? वो मोहब्बत मोमना ने तुम्हारी शादी का सुनते ही दूसरे लड़के का हाथ थाम लिया, इंतजार भी नहीं किया कि तुम उसे मंगनी टूटने का बता सको, और तुम उस मोहब्बत को रो रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ दाऊद, इन लोगों के खून में वफा नहीं है, ये बात तुम्हें वक्त बताएगा। ये लोग मोहब्बत करवाना जानते हैं, करना नहीं दाऊद। ये लोग मोहब्बत की सौगते नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप चाहती क्या हैं कि आपके बेटे की शादी हो जाए लेकिन मोमना कुंवारी मर जाए? आप भी तो वैसी मोहब्बत चाहती हैं। दाऊद, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम शादी के बारे में सोचो। मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं शादी करूंगा ही नहीं। मोमना नहीं तो कोई भी नहीं। What's wrong with you guys? क्या हो गया आप लोगों को यार? उनके फोन पे फोन आ रहे हैं, ईमेल्स पे ईमेल कर रहे हैं वो लोग, शिपमेंट क्यों नहीं पहुंचा अब तक? पेमेंट भी आई थी वो क्लियर कर चुके हैं। आप लोग लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, आप थोड़ी एफिशिएंसी तो दिखाएं ना मुझे प्लीज। सर, अभी भी 4 दिन बाकी हैं, आपने खुद तो रुकवाया था। आपने कहा था जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होती शिपमेंट नहीं जाएगी। सर, इस वक्त को मीटिंग हुई थी, आपने ही कहा था, मेरे पास इस मीटिंग के मिनट्स भी सेव है। अच्छा, I think मैं I'm confusing it with something else. It's okay. आप लोग जाइए प्लीज। I'm sorry. Thank you, sir. इस दफा बहुत देर हो गई, अम्मी की वफात के बाद कुछ दिन वहां भी ठहरना पड़ा। मैं समझती हूँ, बहुत अफसोस हुआ उनके इंतकाल का, बहुत चाहती थी वो मुझे, मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं बचपन की उनसे। जी बिल्कुल, बहुत चाहती थी आपको। जब भी ससुराल में आपकी किसी परेशानी के बारे में सुनती थी ना, बहुत उदास होती थी। एक ही तो रिश्तेदार थी अम्मी की यहाँ, बाकी तो सब इंडिया में। बस देखे ना आपा, पता ही नहीं चलता कि रिश्ते इतने भी गहरे थे। अब देखिए ना, आपकी और मेरी मुलाकात भी तो किसी और के यहाँ इत्तेफाक से हुई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं चलो कम से कम एक बार से ही उनसे मिल तो ली, वरना जिंदगी की दौड़ में कहीं वो गुम हो चुकी थी और कहीं मैं। ये बताओ, अपनी बहन का क्या करोगी? बस आपा, आज अपने घर लेके जा रही हूँ उसे। दुआ करें कि मेरे शौहर का मिजाज ठीक रहे, वो बहुत चिढ़ते हैं मेरे मैके से। एक तो पता नहीं हमारे खानदान की लड़कियां अल्लाह से शौहर और ससुराल की असीरी लिखवा कर क्यों आई हैं। खैर छोड़ो, चुपचाप पड़ी रहा करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा, दौर बदलेगा, तुम भी हुकूमत करोगी मेरी तरह। जी अच्छा, ये बताओ कुछ कपड़े मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग के बनवा दोगी? मतलब ऐसे के चंद एम्ब्रॉयडरी वाले, चंद ब्लॉक प्रिंटिंग वाले, कुछ मिक्स एंड मैच। मेरे ख्याल में अलमास में तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी सारे जोड़े लेके। आज पता नहीं कहाँ पड़े हैं कपड़े, मैंने अभी थोड़े सॉर्ट आउट नहीं किए। हाँ, सारे बैठ के वहीं डिजाइन कर लेंगे इत्मीनान से, ठीक है? जी जी जी, ठीक है। तुम्हारा बिल भी सेटल कर दूंगी जब आऊंगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अरे ये तो सो गया। किरकिर देख रहा था, देखते देखते सो गया। वो अलमास का? अपनी बहन को लेने गई है। आपने कोई चाय वगैरह पी? बेटा ये चाय का वक्त नहीं, खाने का वक्त है। और तुझे तो पता है मैं शुगर की मरीजा हूँ, मुझे वक्त पे खाना मिलना चाहिए। ये अलमास को सोचना चाहिए था। अभी तो मेहमान की हैसियत से आई हूँ, अगर तेरे दर पे पड़ गई तो मर गई। अरे क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं हूँ ना, मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। सुबह से अब आया है मेहनत कर करके, अब मेरे लिए जान जोखों में डालेगा क्या? अरे कुछ नहीं होता ना, मैं ले आता हूँ किचन से कुछ, कोई मसला है क्या? नहीं। अच्छा चल, आज माँ बेटा दोनों किचन में जाके खाना खाएंगे। हैं? चलें ठीक है, इसे यहीं सोने देते हैं ना। अलमास नहीं आई अभी तक? आ जाएगी खुद ही, उसका मैका भी तो इतनी दूर है, और उससे पहले शायद किसी क्लाइंट को कपड़े देने जाना था उसमें। अरे तो थोड़ा इंतजार कर लेती, गाड़ी में तुम्हारे साथ चली जाती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वहां तक जाऊं। उसका मैका जो चलकर तुम्हारे पास आ रहा है हमेशा हमेशा के लिए, वो भी क्या करे अम्मी, जवान बहन है, माँ के बाद वो उसे वहां पे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। अच्छा मेरी बात सुनो, उसके मुंह पे ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। औरत जब अपने घर में मैके का एक परिंदा भी ले आए तो शेर हो जाती है, और यहाँ तो तुम्हारी साली पूरी की पूरी तुम्हारे पास आ रही है। आजकल अपनी फैमिली को पालना इतना मुश्किल हो गया, यहाँ तो जवान जहान साली तुम्हारे गले में पड़ गई है। कल कला अगर शादी हुई तो कौन उठाएगा इसका बोझ? वो मेरी सास के कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स थे, उससे कुछ प्रॉफिट आता था। अब घर भी किराए पे दे देंगे तो कुछ और इनकम भी होगी। वैसे मैंने अलमास से साफ साफ कह दिया कि मुझसे किसी एक्स्ट्रा खर्चे की तवक्को बिल्कुल ना रखे। अरे बेटा इसमें तो पूरा पूरा हिस्सा अलमास का भी होगा, उसको कहना अपना सा ना छोड़े। हाय हाय मेरे बच्चे पर रहम करे, हैं? सारा बोझ मेरे बच्चे पर डाल दिया है। फर्ज अदा कर रहे हो तो हक भी लेना सीखो अपना। बस अभी मैंने तो खा लिया। बस इतना सा खाया? भूख नहीं है और, आप खाइए। सलामकुम। वो सॉरी हमें बहुत देर हो गई, क्या है ना पहले गेती आपा के घर गए थे कपड़े देने, फिर शहर के दूसरे कोने में जाना पड़ा अम्मी के घर, 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। आपको तो पता है ना कि 2 बसें भी बदलनी पड़ती हैं। अम्मी सालन में नमक ठीक है ना? तुम्हारे शोहर को पता चल चुका है कि सालन तुम बना कर गई, मैंने तो सिर्फ रोटियां बनाई हैं। अच्छा मैं जल्दी से सलाद बना के लाती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं, खाना खा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी अगर आपने खाना खा लिया तो प्लेट ले जाओ। हाँ बेटे मैंने खाना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं लेके जा रही हूँ। चाचा कोई मामा, क्या कोई एक भी ऐसा नहीं है तुम्हारे खानदान में जो अपने खानदान की इज्जत को संभाले? कैसे बेगैरत लोग हैं, एक दामाद के सर पे अपनी जिम्मेदारी डाल के इस तरह गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। पहले सारे खानदान में मेरा तमाशा बन रहा है, अब और तमाशा मत बनवाओ। तो आपसे कौन कह रहा है कि उसके लेवल की लड़की लाए? कोई सी भी लड़की ले आए, यतीम मस्कीन गरीब जो अपनी यतीमी के खौफ और दाऊद की दौलत के रोब में चुपचाप उसके साथ जिंदगी गुजारे और आपकी भी मर्जी के मुताबिक हो।